वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी ये व्लॉग जो है मैंने कंटिन्यू किया है, इसके पहले आपने मेरा ये वाला सीन देख लिया था। मैं वेट कर रही थी अपने हेयर कलर को सूखने का, मतलब कुछ टाइम लगा रहने देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये कलर यहाँ पे मेरा प्री लाइटनिंग वाला कलर जो है बना रहे हैं भैया। तो ये सारा जो क्लिप है आप मेरे पहले के व्लॉग में, कल वाले व्लॉग में देख चुके हैं। तो अभी स्टार्ट होता है मेरा प्री लाइटनिंग हेयर कलर, स्टार्ट कर दिया है भैया ने लगाने के लिए। तो यहाँ पे वर्मा जी उनकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ मेरे बालों में कलर पूरे में लग चुका है और अब इसको भी सूखने का थोड़ा टाइम देंगे, मतलब सूखने का क्या, कलर चढ़ने का टाइम देंगे। तो 15 से 20 मिनट लगता है। तो इधर भैया मम्मी का भी हेयर कट कर रहे हैं, तो आज हम सास बहू दोनों ही हेयर कट ले रहे हैं। वैसे आप लोगों ने कल के व्लॉग को पसंद किया, मुझे अच्छा लगा, और आप लोग बोल रहे थे कि आपको कल के व्लॉग का इंतज़ार रहेगा, उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपको मेरे हेयर कट का, हेयर कलर का वेट है। तो यहाँ मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है और अब भैया ड्रायर से बालों को थोड़ा सुखाएंगे। और फिर यहाँ पे ये देखिए पीछे का कलर, मैंने कहा आप थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दो। तो ये मेरा फाइनल हेयर कलर है जो कि अभी मेरे बालों में गीला है, इसलिए आपको सही से समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब बाल सूख जाएंगे उसके बाद आप देखिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा हेयर कट और हेयर कलर कैसा लगा, मेरा हेयर स्टाइल, मेरा नया लुक कैसा लगा। बस मेरा हेयर कलर हो चुका है और अब बस यहाँ पे ये फाइनल लुक देने के लिए मेरे बालों को कर्ल कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लुक लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बस यहाँ पे मैंने कहा आप कर्ल जो कर रहे हो उसको भी थोड़ा सा अच्छे से रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग को भी आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रेटनर से आप अपने बालों को किस तरह से कर्ल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका मैंने आपको ज़्यादा रिकॉर्डिंग शेयर करी है। तो बताइएगा आप लोग क्या इस तरह से कर्ल करते हैं। देखिए इस तरह से स्ट्रेटनर से घसीटते हुए आपके बालों को कर्ल करना है, मतलब कि क्रिम कर्लिंग जो होती है ना, कर्लिंग रॉड से ना करते हुए स्ट्रेटनर से ही हो जाएगा।
पे पीहू बार बार हाथ लगा रही थी, उसे लग रहा था कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है जो, तो मैं उसमें हाथ लगाऊं। बच्चे तो खेल करते ही हैं, तो बस उसे ऐसे ही खेल मस्ती चल रही थी। और अभी मुझे बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि मैं हेयर वॉश करके आई ना, तो फिर वर्मा जी ने यहाँ पे ब्लोअर लगा दिया था रूम में, तो थोड़ी राहत हो गई, वरना तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि अभी मौसम तो ठंडा है ही है। लेकिन जब फिर वर्मा जी ने ब्लोअर लगाया तो उसके बाद बहुत अच्छा राहत मिल गई थी, और यहाँ पे वर्मा जी ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अभी आप देख रहे हैं कि पीछे के बालों में अच्छे से कर्ल हो गया है और आगे वाले बाल पूरे पूरे स्ट्रेट हैं, तो ये स्ट्रेट लुक में भी बहुत अच्छा कलर लग रहा था और कर्ली में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप जिस तरह से चाहे आप लोग भी इस तरह से कलर करवा सकते हैं, अगर आप करवाते हैं तो। वैसे मैं आपसे ये कह नहीं रही हूँ कि आप कलर करवाइए, अगर आप चाहते हैं आप करवाते हैं तो ठीक है, वरना मैंने तो सिर्फ आपके साथ अपना हेयर कलर शेयर किया है। गया है मेरा हेयर कलर, फाइनल लुक आपके सामने है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, तो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, कल का व्लॉग मैंने फिनिश करना ही मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो अभी इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। और ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की क्लिप है, यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ ब्रेड रोल, तो बस थोड़ा सा ही मैंने रिकॉर्ड किया है। ब्रेड रोल के लिए मैं यहाँ पर आलू को फ्राई कर रही हूँ, मतलब मसाला बना रही हूँ, और प्रॉपर पूरी रेसिपी नहीं, थोड़ी थोड़ी ही बस रिकॉर्ड करी है। और बस यहाँ पे आलू जब बन जाएगा तो फिर ब्रेड रोल का ब्रेड को सोक करके फिर रोल बनाऊँगी। ये तो आलू फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी धनिया, और ठंडियों में हरी धनिया बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैंने आलू को फ्राई कर लिया है, और चलिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करते हैं। पीहू क्या लाई है? पीहू लाई है जलेबी। जलेबी पीहू जलेबी लाई है। चलो देर से बाहर चिल्ला रही है, गरम 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 है, ये लो। वाओ उठाओ पीहू, ये लो, ये लो ना, बहुत टेस्टी खाना तो है। तो आप भी गर्मा गर्म जलेबियाँ खा लीजिए, और चलिए इस व्लॉग को यहीं फिनिश करती हूँ, और अगर दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगी तो वो नया व्लॉग हो जाएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।